शैतान नुमा इंसान भी होते हैं, मिन शर अल वसवास अल खन्नास अल्लज़ी यवसवसु फी सुदूरिल नास मिनल जिन्नति वन नास, अल्लाह ताला ने फरमाया शैतान भी है और इंसान भी है। जैसे बुरे बुरे अकीदा रखने वाली जमात के लोग आ जाते हैं तो ये ऐसा कैसा ऐसा ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, ख्याल उनके दिलों में डाल देते हैं जिससे वो परेशान हो जाता है, बुरे बुरे उसके दिल में ख्याल आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर तबलीग जमात के एक बड़े सफ़े गुजरे रशीद अहमद गंगोही, उन्होंने फतवा दे दिया कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ भी बोल सकता है, ऐसा अकीदा रखना कुफ्र है। मगर ये अकीदा अगर वो किसी जाहिल को समझा दिए दूसरे दूसरे तरीके से उसके समझ में ना आए और वो परेशान हो रहा है तो क़यामत में परेशान इंसान होगा तो कैसा होगा, अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा तो कैसा होगा, ये सारे वसवसे जो उसके दिल में पैदा हो रहे हैं कमीने वसवसे की तरफ से पैदा हुआ है, यानी गलत गंदा वसवसा उसके दिल में पैदा हो रहा है, पैदा करने का सबब कौन मालूम हुआ एक इंसान का, तो बुरा ख्याल इंसान के दिल में डाल देना वसवसे के तौर पर एक इंसान भी करता है और शैतान भी करता है। एक वो होता है जो उसके दिल में खुद से पैदा हो जाता है, यानी ऐसे वसवसे जो खुद से उसके दिल में पैदा हो जाए या किसी शैतानी या इंसानी शरारत की सबब अगर पैदा हो जाए, इंसान उसको दिल में बुरा जानता है और उससे डर लगता है खौफ करता है तो वो उसके लिए मुआफ़ता नहीं होगा। अगर उसको जस्ट वो एतकार कर ले कि भाई ऐसा ही होगा खुदा झूठ बोल सकता है माशाल्लाह, तो ये एतकार करना उसे कुफ्र कर देगा और उस पर जो ख्याल उसके दिल में आ रहे हैं वो परेशानी वाले होते हैं। वो ऐसे ही दिल में सोचे कि कल को क्या आया क़यामत में लाता मुझे माफ़ ना करे तो कैसा होगा, उसका ये गुमान वाकईदा नहीं है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है बल्कि उसका अकीदा है कि अल्लाह झूठ नहीं बोलता। मगर फिर भी उसके दिल में ख्याल आ जाए अगर मुझे फिटकार दिया जाए माफी ना मिले तो क्या बात होगा, इस तरीके के जो ख्याल बंदों के दिल में आते हैं वो ख्याल तो खुद से आते हैं, कुछ अच्छे ख्याल आते हैं कुछ बुरे ख्याल आते हैं। अगर अच्छे ख्याल आते हैं तो कोई मसला नहीं है, अगर बुरे ख्याल आते हैं तो क्या उस पर सवाल जवाब होगा, तो बुरे ख्याल का दो तरह के ख्याल इंसान के दिल में होना उलमा ने फरमाया, एक वो जो खुद से उसके दिल में पैदा हो जाए, एक वो जो इंसान उसका इरादा बनाए ख्याल खुद से करे उस चीज के मुताबिक इंसान खुद ख्याल करे। जैसा कि मैंने कहा कल के दिन क्या काम करना है उसका ख्याल रखते हैं और उससे पहले इंसान के दिल में ख्याल आता है कि कल अगर कोई हादसा हो जाए टक्कर हो जाए गाड़ी लग जाए तो क्या होगा, इस तरीके से ख्याल खुद से आ रहा है। मगर गाड़ी की टक्कर लग जाए तो क्या होगा, ये ख्याल वो खुद से नहीं बल्कि वो ख्याल उसके दिल में आ रहा है, तो टक्कर लगाने का ख्याल करना अलग है टक्कर लग जाए तो कैसा हो जाना ये ख्याल होना अलग बात है। इसी तरीके से फरमा रहे हैं कि दूसरे वो ख्याल जिनको इंसान अपने दिल में जगह देता है और उनको अमल दिलाने का तो इरादा करता है उन पर मामला होगा और उन्हीं का बयान इस आयत की मुबारकात में है। बात उलमाए इकराम हमारे फरमाते हैं कि ये आयत मुबारक के अंदर जो बयान है ये वो उन ख्याल के मुताबिक से पूछा जाने के मुताबिक से बयान है जिनका इंसान असल व इरादा करता है, जिनके करने का इरादा करता है। मिसाल के तौर पर आज हमारे पास बहुत बुरा एक तरीका बन गया है, नया फिल्म रिलीज होता है तो फौरन फिल्म के गाने का प्लान बना लिया जाता है, दिल में ख्याल होता है उसके बाद ही अमल में लाया जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये तरीका क्या है, इंसान उस काम के करने का इरादा कर रहा है, बुरे काम का इरादा वो कर रहा है, अगर किसी सूरत में नहीं कर पाता और उस इरादे पर वो नादिर भी नहीं हो रहा है तो उसका मुआफ़ होता होगा। अगर इरादा पैदा हुआ उसके दिल में ख्याल आया मगर उसने अपने उस ख्याल पर नादिर हुआ अपने आप पर और अल्लाह की बारगाह में तौबा किया और फिर चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ कर देगा। इसी तरीके से उलमा इकराम फरमाते हैं जैसे कि उसकी मिसाल हम सुनेंगे कि कुफ्र का आज़्म करना भी कुफ्र है, कुफ्र का इरादा करना भी कुफ्र है, माफ़ कर दो ख्याल दिल का माफ़ है ये अलग बात है, मगर कुफ्र का इरादा करना दिल का ही ख्याल है, मगर ये इंसान के इरादे में खुद उसकी मर्जी शामिल है, खुद से जो ख्याल आ जाता है उसमें उसकी मर्जी शामिल नहीं होती है, लेकिन उसके गुनाह में अमल में आगे यहाँ पर यह है कि उस पर कुफ्र का इरादा किया अपने दिल में कुफ्र का आज़्म किया तो कुफ्र हो जाएगा। गुनाह का आज़्म करके आदमी अगर आदमी आदमी में उसका साबित रहे और उस पर कब्ज़ इरादा रखी रहे तो गुनाह वापस न लाने के बाद उसको और तुरंत उसको ना कर सकते हैं कि इंसान किसी गुनाह का इरादा कर ले और उस इरादे को नादिर भी ना हो तौबा भी ना करे उसी हाल पर रहे। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला बचाए कभी ऐसा होता है एक अनजान फोन आ जाता है, एक अनजान फोन आकर के किसी औरत का जो कॉल आ गया है किसी और तरफ से आ गया तो इंसान का सहन उसकी तरफ भटकने लगता है, वो बुरे इरादे से बुरे
रास्ते पर जब वो बुलाना चाहती है या खुद आप बुरे रास्ता दिल में ख्याल आ जाता है, तो एक बुरी लाइन को हम पार करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद धीरे 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 क्या होता है, बुरी लाइन की बुनियाद पड़ती है और इंसान का कदम दूसरी तरफ अटक जाता है। हालांकि शुरुआत होती है छोटे से फोन से या एक मैसेज से, एक छोटी जरूरत से, इसी तरीके से होता है। या फिर कोई इंसान के पास अपनी फरियाद लेकर के कोई औरत पहुंचती है, अपनी परेशानी लेकर के कोई औरत पहुंचती है, मैं मजबूर हूँ मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, वो इंसान उसकी तरफ बुरा ख्याल कर लेगा और उसको अलग तरीके से उसका इस्तेमाल करने का वो प्लान बना ले रहता है। ये है वो दिल का इरादा जो गुनाह की तरफ अपना इरादा बनाता है। अगर वो नादिम होकर के तौबा नहीं करता है तो इस पर भी उसको सवाल जवाब होगा और इस पर भी उसे सजा दी जाएगी। अगर नादिम होकर के तौबा कर लेता तो अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देता। अगर जो उसने जबान से बोला नहीं, अमल में लाया नहीं, मगर दिल में इरादा बनाया और उस पर नादिम नहीं हुआ है, अफसोस नहीं कर रहा है, तौबा नहीं किया, तो उस पर सजा होगी, सवाल जवाब होगा। मगर अगर वो तौबा कर लेता अल्लाह की बारगाह में, नादिम हो जाता फौरन तौबा कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ फरमा देता, उस पर सवाल जवाब नहीं होगा। ये एक आयत मुबारका के माना हो सकते हैं, अंदर एक चीज होती है कि दिल में ख्याल आना दो तरीके का होता है, एक वो जो इंसान अपने दिल में ख्याल बनाता है, एक वो जो वसवसे के तौर पर कोई चीज उसके दिल में आ जाती है। वसवसे के तौर पर कोई ख्याल आ जाए और वो उसको बुरा जानता है और उसको अच्छा नहीं समझता है, न बोलना अच्छा समझता है, न अमल करना अच्छा समझता है, न उसके बोलने या करने का वो इरादा रखता है, तो ऐसा ख्याल उसको तौबा की जरूरत नहीं, अगर खुद उसके लिए माफ है। एक वो ख्याल उसके दिल में आता है किसी गुनाह का इरादा करते हुए या किसी कोई बात का इरादा करते हैं, तो ऐसा वो ख्याल जो उसके दिल में आ रहा है, अगर जो वो बोला नहीं है, किया नहीं है, मतलब तौबा भी नहीं किया है, नादे भी नहीं हुआ है, तो उसको वो माफ नहीं होगा, बल्कि उसको मुआफ़ा किया जाएगा, सजा उसके लिए मुकर्रर की जाएगी, अल्लाह ताला वो बताए। इसी चीज